हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल और आज के इस सेशन में मैं मेनली डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि ऐसे कितने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ प्रिपेयर करके रखने हैं जो आपको मुख्य रूप से रिक्वायर्ड है नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस के समय नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने एक अच्छा स्कोर गेन किया है वो सभी स्टूडेंट्स नीट काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग की डेट सभी कमिंग वीक्स में आ जाएंगी बट काउंसलिंग के समय आपको कुछ इम्पोटेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिए प्लस सेकेंडली इन केस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उन लिस्ट में से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेरेश प्रिपेड करवाना या बनवाना स्टार्ट कर लीजिएगा ताकि लास्ट कंडीशन में आपको पैनिक सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा तो अब हम डायरेक्टली आते हैं डॉक्यूमेंट नंबर बाय नंबर मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करती हूँ डॉक्यूमेंट नंबर वन है आपका क्लास टेंथ मार्कशीट क्लास टेंथ मार्कशीट यहाँ पर आप याद रखिएगा एज प्रूफ के फॉर्म में आप उसको यूज़ करते हैं सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका क्लास टेंथ मार्कशीट सेकेंड डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट नंबर टू इज क्लास ट्वेल्थ मार्कशीट सो ट्वेल्थ मार्कशीट सेकेंडली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल भी आपको रखने हैं यहाँ पे प्लस एडिशनली आप उनके टू टू सेट्स फोटोकॉपी के भी आप अपने पास रखिएगा थर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं क्लास ट्वेल्थ का पासिंग सर्टिफिकेट है आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है और ये आपको स्कूल से ही मिला हुआ है अलॉन्ग विथ योर मार्कशीट सो दिस इज़ द थर्ड डॉक्यूमेंट नाउ वी कम टूवर्ड्स द फोर्थ डॉक्यूमेंट फोर्थ डॉक्यूमेंट आप याद रखिए आपका है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको जनरली हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट और टी भी कहते हैं अब यहाँ पे देखिए जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ये ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया है या फिर जो ड्रॉपर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं भी साइड बाय साइड कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था उनके पास तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप के साथ साथ बीएससी फर्स्ट ईयर और किसी अनदर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ होता है तो उन स्टूडेंट का वो जो स्कूल सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट है वो उसी इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट हुआ होगा तो वहाँ पर अब आपको उस इंस्टीट्यूट में या जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में आपको लिविंग uh, सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि आपका अब वो उसी इंस्टीट्यूट का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट नंबर फेफ डॉक्यूमेंट नंबर फिफ्थ है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल से ही मिला हुआ है कि आप किस बोर्ड से थे ये प्रूफ हो जाता है उससे सी बोर्ड से है तो बोर्ड से ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा बट अगेन जिन स्टूडेंट्स ने बी में एडमिशन लिया है बी फार्मा में एडमिशन ले लिया था उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के थ्रू माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा हालांकि जब आप यूनिवर्सिटी के थ्रू माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करेंगे अभी तो कुछ डेज़ आपको रिक्वायर्ड लग होते हैं तो विद इन इमीजिएट टाइम में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका बनना पॉसिबल नहीं होगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा आप पैनिक मत होइएगा टाइम आपको काउंसलिंग में इन केस अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भी हुआ तो आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेज का टाइम दे दिया जाएगा और मेन वाइल आप वहाँ पे वो सबमिट कर सकते हैं तो एडमिशन की प्रोसेस में आपको एज सच वहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी बट आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई अभी से कर दीजिए जो नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट है दैट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट हमारा रिक्वायर्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ओ बी और एस कास्ट के लिए के अंदर फॉर्म के थ्रू फिल किया था तो जो भी स्टूडेंट ओ बी और एस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं वो आप अपने कास्ट का सर्टिफिकेट अपने साथ प्रिपेड रखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका ये भी सेकेंडली अगर आपने ओ या वॉट आप जिस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं उसका आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है बट अगर आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आपको सीट उस कोटा से नहीं मिलेगी तो ये थोड़ा वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखिए आफ्टर कास्ट सर्टिफिकेट जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ हम कह रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ में आप याद रखिए बेस्ट प्रूफ अपना होता है आधार कार्ड आधार कार्ड का ओरिजिनल आधार कार्ड ही आपको अपने साथ रखना है अलॉन्ग विद टू फोटो एंड इन केस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस केस में आप याद रखिए आप पैन कार्ड और जो आपका अनदर डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस वो भी रख सकते हैं बट आधार कार्ड ही आप रखिए वो प्रेफरेंस में नंबर वन होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट नंबर एट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है या इसको हम हिंदी में कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको स्टेट काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होगा कि अगर आप एमपी स्टेट की काउंसलिंग में अपियर हो रहे हैं या आप यूपी स्टेट काउंसलिंग में अपियर होते हैं अपने स्टेट में तो उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट असेंशियल है तो ये सर्टिफिकेट जिन स्टूडेंट्स के पास अभी नहीं है वो स्टूडेंट्स इस सर्टिफिकेट uh, के लिए भी अप्लाई करिए क्योंकि स्टेट कोटा और स्टेट काउंसलिंग में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अब इसके बाद हम आते हैं जो नीट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरफ सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है डॉक्यूमेंट नंबर नाइन वो है आपका नीट का एडमिट कार्ड तो एक नीट का एडमिट कार्ड आपको अपने साथ रखना है आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका नीट का स्कोर कार्ड और रिजल्ट जो आपको मिला हुआ है इस साल आपने नीट के थ्रू जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड को भी आपको अपने पास रखना है प्लस आफ्टर दैट आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जब आप काउंसलिंग की प्रोसेस में आते हैं और अपना चॉइस फिलिंग करते हैं और उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसका आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इशू होगा वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का ओरिजिनल आपको वहाँ पे लेके जाना है ओरिजिनल मींस आप ऑनलाइन ही आपको मिलेगा वो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप वहाँ पर काउंसलिंग के समय लेकर जाएंगे अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है मेनली इज इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है ड्रॉपर के बच्चों के लिए और ये केवल ड्रॉपर के स्टूडेंट्स को ही रिक्वायर्ड है जो क्लास ट्वेल्थ के साथ जिन बच्चों ने नीट दिया है और उन्होंने काउंसलिंग के लिए अपियर होंगे उनको ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है ये ध्यान रखिएगा और ये जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है आपका गैप सर्टिफिकेट मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने वन ईयर का गैप लिया है ड्रॉप लिया है या टू और थ्री इयर्स का भी ड्रॉप लेते हैं स्टूडेंट्स सो व्हाट आपका गैप ईयर गैप ईयर है उतने गैप ईयर के लिए आपको एक नोटरी से सर्टिफिकेट बनवाना है वो सर्टिफिकेट भी आप अपने पास बनवा के रख लीजिए तो वो एक आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गैप सर्टिफिकेट आफ्टर दैट जिन स्टूडेंट्स ने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और उन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करते समय ई कैटेगरी को फिल किया था तो उसके लिए अब आपको ई सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा तो वो ई सर्टिफिकेट अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी ई सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए जनरल uh, कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं तो ई डब्बू एस सर्टिफिकेट आप अपना प्रिपेयर कर लिए करवा लीजिए और ऑलरेडी कुछ बच्चों के पास होगा तो वो भी आप एक फ़ाइल में सेपरेटली रख लीजिएगा और फिर इसके बाद हमारा आता है पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा वो स्टूडेंट्स भी जो नॉर्म्स दिए हुए हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट आप अपने पास प्रिपेयर्ड करके रखिए एंड देन आफ्टर जो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली नहीं है वो है आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ्स अब फोटोग्राफ्स में देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स आप रखिए मिनिमम टेन रिक्वायर्ड होते हैं बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि मैक्सिमम फोटो आप जितने रख सकते हैं रखिए क्योंकि उस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी रहते हैं काउंसलिंग के समय भी स्टूडेंट्स जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है तो मैक्सिमम आप 20 टू 25 क्योंकि अगर वो यूज़ नहीं भी होंगे तो उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो कॉलेज एडमिशन के बाद भी आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स में वो सर्टिफिकेट्स सॉरी वो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे एंड सेकेंडली जो फोटोग्राफ्स आपके होंगे वो ध्यान रखिए कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो कलर्ड पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ्स आप अपने पास रखिए अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप फ्लैश फाइल्स में रखिए जो फ्लैश फाइल्स होते हैं उसमें वन बाय वन आप एक एक कार्ड में एक एक आप उस डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा एंड फोटोकॉपी के टू सेट्स आप प्रिपेड करके रखिए सेट्स मींस पेरेंट्स को आपके पता है कि किस तरह से क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली आइडिया नहीं होता है तो इसमें आप अपने पेरेंट्स की टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं प्रॉपर एक सेट टेंथ ट्वेल्थ ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वन बाय वन वन बाय वन आप सर्टिफिकेट्स अरेंज करके रखिए आप रिसेंट से बैक में आ सकते हैं कि एक्चुअली मेथड यही होता है सर्टिफिकेट अरेंज करने का कि रिसेंट सर्टिफिकेट आप सबसे पहले रखते हैं और जो ओल्डेस्ट सर्टिफिकेट है दैट इज़ द क्लास टेंथ वो सबसे आपका लास्ट में होगा उस अकॉर्डिंग आप अरेंज करके अभी से रख लीजिए फर्स्ट आपको इन सर्टिफिकेट्स में से जो सर्टिफिकेट आपके पास आज की डेट में नहीं है उन सर्टिफिकेट्स को बनवाने के ऊपर ध्यान देना है तो वो सर्टिफिकेट आप बनवाना मतलब प्रिपेयर करवाने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिएगा आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि काउंसलिंग की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है तो जैसे ही काउंसलिंग का अपने को आता है उस प्रोसेस के साथ हम नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तब तक नेक्स्ट सेशंस के लिए सभी स्टूडेंट्स को stabilized stay motivated and be honest with yourself and society